अल्ला।, अल्ला।, अल्ला पाक आखिरी नबी मक्की मदनी फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम सुबह और शाम।, शाम दस दस, दस बार दरूद पाक पढ़ा यानी टेन टेन टाइम्स द्रूद पाक पढ़ा क्यामत के रोज उसे मेरी शफात पहुंच कर रहेगी सलूल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद अलैहि वसल्लम प्यारे प्यारे बच्चों मदनी चैनल के नाजरीन और नन्नी मुन्नी बच्चियों हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जिसका नाम है क्या नाम है जगमगत तारे प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं यहाँ नन्नी मुन्नी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं इनका नाम भी पूछेंगे अभी और जो घर पर प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं आपने भी हमारे इस प्रोग्राम को देखना है क्योंकि जगमग तारे प्रोग्राम आता है आप प्यारी प्यारी, प्यारी बच्चियों के लिए जिसमें हम अभी सुनेंगे एक अच्छी सी कहानी हम्म एक अच्छी सी कहानी सुनने वाले हैं और इसमें सवाल जवाब भी होंगे अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे तो आपने जम कर बैठना है कैसे बैठना है जम कर कैसे बैठते हैं खेलते कूदते नहीं हैं इधर उधर जाते नहीं हैं बच्चों से ज़रा मुश्किल होता है जम कर बैठना थोड़ी देर बाद इधर उधर चले जाते हैं तो आपने हमारे साथ रहना है और देखना है प्रोग्राम जी तारे प्रोग्राम ये हर सैटरडे को भी आता है और संडे को भी आता है तो हमारे साथ कौन कौन बच्चियाँ मौजूद हैं आइए पूछ लेते हैं कौन है सबसे पहली प्यारी सी शहज़ादी जी आयशा है कहानी शाहिद है माशाल्लाह उनके बाद कौन है हमारे साथ एमन उबैद एमन हैं और आयशा उबैद आयशा उबैद एमन उबैद और आयशा उबैद दोनों सिस्टर्स हैं हम्म, माशाल्लाह बहनें हैं और उनके बाद इकरा बिनते मुहियुद्दीन। इकरा बिनते मु तो हमारे साथ ये प्यारी-प्यारी बच्चियां मौजूद हैं और आप सुने कहानी चले जी कहानी सुनते हैं। जग्मक तारे, जग्मक, जग्मक, जग्मक तारे, जग्मक तारे। अब हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है कहानी।, कहानी और कहानी में हम सुनेंगे एक कहानी और आज जो कहानी है ना रानिया शाहिद वो रियल वाकया है क्या है रियल वाक्य समझती हैं नहीं समझती भाई ये हमारी रानिया शाहिद कह रही हैं और हमारे साथ कौन है क्या नाम है आपका इकरा बंतम्दीन रियल वाक नहीं समझती क्या होता है रियल वाक क्या होता है चले भाई आप बता दो असली होता है। जो असली होता, अस्ली होता है समझ में आया कुछ असली तो होता है ना समझाने के लिए इसे कहानी हमने बनाई हुई थी कि एक लोमड़ी थी एक शेर था आपस में उनकी बात हुई और यूं हुआ वो हुआ तो ये क्या होती है कहानी बनी हुई होती है रियल में नहीं होती, नहीं होती। और जो आज हम सुनने वाले हैं वो रियल कहानी है बल्कि कहानी क्या कह कहें रियल वाकया है ठीक है और वो वाक है अल्लाह पाक एक नबी का अल्लाह पाक के नबी का नबी का, जी और वो नबी का नाम है हज़रत दानियाल क्या नाम है दानियाल जी क्या नाम है रानिया शाहिद हज़रत दानियाल दानियाल, दानियाल।, दानियाल� अलैहि सलाम ये सलाम ठीक है चलें अब याद रखना है क्या नाम है हजरत नियाल नियाल अलैहि सलाम जी चलें आप भी बता दें हजरत दानियाल अलैहि सलाम और हजरत दानियाल अलैहि सलाम, तो सलाम ये तो हजरत दानियाल अलैहि सलाम ये कौन है अल्लाह पाक के एक नबी हैं अब इनका वाकया ऐसा है कि उस जमाने में बादशाह था बخت नसर, बुख नसर। बुख क्या था नसर। नाँगा। नाँगा। सर। ये बड़ा जालिम बादशाह था कैसा था जालिम, जालिम बादशाह समझती, है। जालिम क्या होता है? जालिम नहीं समझती है। कोई बच्ची नहीं समझती लो जी जालिम जालिम होते हैं जो किसी पर जुल्म करता क्या करता है समझती है किसी की चीज छीन ली किसी की चीज छीन ली किसी को बिला वजह में मारा वो क्या है जो ऐसे काम कर रहा है किसी को मार रहा है किसी की चीजें न रहा है वो कौन होगा गालिम और ये इस तरह के काम करना क्या है बुरी बात जुल्म है बुरी बात भी है और है। जुल्म भी है ठीक है अब समझ गई समझ गई जुल्म क्या होता है भाई किसी का ऐसे जो है वो स्काफ हम खींच दें उसको मारें तो ये क्या होगी गंदी बात होगी ना होगी होगी ना और ये ऐसा करना क्या होगा जुल्म होगा जो ऐसे काम करते हैं गंदे काम करते हैं लोगों को मारते हैं लोगों की चीजें छीनते हैं वो क्या होते हैं जालिम क्या होते हैं जालिम तो ये जो बादशाह था ना ये भी जालिम था अब क्या हुआ इसने जो अल्लाह पाक के नबी थे ना और नबी तो बहुत अच्छे होते हैं नबी बहुत, है। बहुत अच्छे होते हैं है। वो तो अच्छी बातें बताते हैं अच्छे काम करते हैं और दूसरों से अच्छे काम करवाते हैं लेकिन इस जालिम इस गंदे बादशाह ने ना जो अल्लाह के नबी थे हजरत दानियालाम इनको भी अरेस्ट करवा लिया इनको अरेस्ट, अरेस्ट करवा कर लिया क्या करवा लिया अरेस्ट, कर। अरेस्ट कौन कौन समझता है हम्म दो हाथ गए भाई चलें, इकरा ने उठाया था हाथ इकरा से पूछ लेते किसी, किसी को पकड़ कर जेल, जेल में, डाल देल देल में, डाल देल। देल में डाल देना पता चल गया अरेस्ट जी तो अरेस्ट किसको करवा लिया अल्लाह के नबी को अब उनको अरेस्ट करवा के पता है उसने क्या किया एक कुआ था क्या था कुआ कुआ कुआं कहा होता है ये भी मुश्किल हो गई कहा होता है भाई कुआ नहीं पता आ, किसी को भी नहीं पता कुआ कहा होता है भाई कुआ होता है जमीन में कहा होता है जमीन, जमीन में जी प्यारे प्यारे बच्चों कुएं का हो सकता है नाम सुनते हो लेकिन कुआ बच्चों को पता ना? नहीं हो चले हम आपको बता देते कुआ क्या होता है जमीन में होता है जमीन होती है इसको जमीन को खोदते हैं खोदना तो पता है ना ऐसे मिट्टी निकालते जाते खोदते जाते खोदते जाते तो क्या होता है घड़ा बनता जाता है तो बहुत ज्यादा खोद लेते हैं ना तो नीचे से पानी आ है। जा जाता है क्या आ जाता है पानी आ जाता है तो वो जो पूरा सुराख होता है या जमीन में बहुत गहरा सा घड़ा होता है ना उसको कहते हैं कुआं कुआ ठीक है उसमें से पानी निकालते रहते यूज के लिए जमीन में से भी पानी निकलता है जब बारिश होती है ना क्या होती है बारिश होती है तो ये जमीन में पानी जज्ब हो, हो जाता है जमीन में पानी जज्ब हो जाता है यानी अंदर चला जाता है फिर जब हमें पानी चाहिए होता है तो हम इस तरीके से जमीन को खोद लेते हैं वो बहुत गहरा सा घड़ा बन जाता है उसको कहते हैं क्या कहते हैं कुआ और उसके अंदर होता है पानी।, पानी तो जब हमें यूज के लिए पानी चाहिए होता है तो उसमें से निकाल लेते हैं तो कुएं में पानी होता है लेकिन समटाइम्स जो है वो जब बहुत अरसे तक यूज़ करते रहे ना तो उसका पानी ख़त्म हो है। जाता है फिर वो खुश्क हो जाता है कुआँ बस गड़ा रह जाता है पानी नहीं रहता नहीं रहता समटाइम्स ऐसा भी होता है तो बहरहाल अब ये जो बादशाह था इसने क्या किया दो शेर मंगवाए शेर शेर क्या करते हैं भाग जाते हैं हाँ। है ना डेंजर्स होते हैं दो शेर मंगवाए और जो है ना वो अल्लाह पाक के जो नबी थे हज़रत दानियालाम को भी उस कुएँ में डाल दिया और वो शेर भी कुएं में डाल दिए शेर क्या करते हैं आ जाते हैं। हैं? क्या करते हैं? पाँगे पाँगे आ जाते आ जाते हैं। ना अब उसने इसीलिए अपने गंदे इरादे से था वो कैसा है ना तो उसने जुलमी कर रहा था ना वो उसने शेर भी उस कुएं में डाल दिए और अल्लाह पाक के नबी को भी अंदर ही भेज दिया तो उसका क्या ख्याल था कि माजल्ला ये शेर जो है अल्लाह पाक के नबी को नुकसान देंगे उसी ने तो इसलिए किया था ना ये हरकत और ऊपर से कुआं बंद ऊपर से कुआं बंद।, बंद कर दिया क्या होगा पता है क्या हुआ उसने फाइव डेज के बाद फाइव, फाइव डेज के बाद पांच दिन के बाद वो कुआं जब खोला ना तो पता है क्या हुआ पता है हम पता है कुएं में क्या हुआ वो तो समझ रहा होगा शायद शेरों ने नुकसान दिया होगा पाक के नबी को लेकिन ऐसा नहीं, नहीं हुआ शेर एक तरफ बैठे हुए थे और अल्लाह पाक के नबी जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे वो कुएं में नमाज पढ़ रहे थे और शेर एक तरफ आराम से बैठे हुए थे उन्होंने अल्लाह पाक के नबी को कोई नुकसान नहीं, नहीं पहुंचाया वो पहुंचाते भी कैसे कि अल्लाह पाक के नबी को कोई ऐसी चीजें नुकसान नहीं।, नहीं दे सकती अल्लाह पाक के नबी का तो बड़ा मकाम हुआ करता है तो शेर एक तरफ़ बैठे हुए थे और अल्लाह पाक के नबी आराम से नमाज पढ़ रहे थे अब वो जो बादशाह है ना वो बड़ा हैरान हुआ और हैरान हो के उसने हज़रत दानियाल आलम से पूछा कि आपको शेरों ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया आपने ऐसा क्या किया कि शेरों ने आपको नुकसान नहीं पहुँचाया तो हज़रत दानियाल आलम ने कहा कि अल्लाह पाक अपना जिक्र करने वालों को नहीं भूलता, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं अल्लाह पाक उन पर खास रहमत फरमाता है उनकी खास मदद फरमाता है तो अल्लाह पाक के नबी तो अल्लाह पाक का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं ना जिक्र करते हैं अल्लाह पाक का जिक्र कैसे होता है नमाज पढ़कर जी पढ़कर रुदे पाक पढ़कर और ऊपर भी बताने दें अपनी छोटी बहन को क्या नाम है आपका एमन। आ, एमन, एमन। याद कर लेते हैं आपका नाम जी और कैसे होता है अल्लाह पाक का जिक्र नमाज, नमाज पर जी कुरान पढ़कर नमाज पढ़कर तो जो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाता है और उसके बाद हजरत दानियालाम ने खूब अल्लाह पाक की तारीफ की अल्लाह पाक बहुत रहमत वाला है बहुत अजमत वाला है और जो चाहे वो कर सकता है शेर वैसे तो काट लेते वैसे तो काट लेते, काट लेते।, लेते। लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म हो तो शेर किसी को नुकसान नहीं, नहीं पहुंचा सकते जी प्यारे प्यारे बच्चों हमने सुनी प्यारी सी एक कहानी, कहानी कह लें या रियल वाक्या सुन वाक कह लें हमने अल्लाह पाक के नबी का एक वाक्य सुना और अब बारी है आपकी किसकी हमारी किसकी है हमारी आपकी है आपकी बारी यह है कि आपने अब बताना है कि हमने इस वाक्य से क्या सीखा ठीक है कौन बताएगा दो हाथ उठ गए एमन उबैद का हाथ उठ गया है और आईशा उबैद आयशा उबैद का हाथ उठ गया है और इकरा का भी हाथ उठ गया है और रानिया शाहिद का हाथ नहीं उठेगा हाल चले आप ऐसा करें सुन ले फिर ये जो बताएंगी ना उसमें से कुछ बता दिएगा ठीक है चले जी एमन उबैद के पास चलते हैं पर जुल्म नहीं करना चाहिए जुल्म नहीं करना चाहिए जुल्म करना बुरी बात बुरी बात है, है जी चले अब आयशा उबैद बताएंगी हमने इस स्टोरी से इस कहानी से क्या सीखा अगर हम किसी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें भी उसका नुकसान मिलता है हम अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी नुकसान होता है खैर स्टोरी में तो इस तरह की चीज़ का जिक्र नहीं था लेकिन बात आपकी सही है अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो बदले में या तो में दुनिया में भी नुकसान हो सकता है और आखरत में तो नुकसान ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है अब इकरा क्या बताएंगी हमें किसी को हमें नहीं पहुँचाना नहीं नहीं चाहिए ना और जब हम अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे हम अच्छे बच्चे बनेंगे कैसे बच्चे बनेंगे अच्छे, अच्छे, बच्चे, अच्छे बच्चे बनेंगे अच्छी बातें करेंगे अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे तो फिर क्या होता है अल्लाह पाक हमारी अदद है।, है खास मदद होती है खास अल्लाह पाक की रहमतें हासिल होती हैं ठीक है ठीके भाई ठीक है चलें भाई आगे चले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है चवाँ चवाँ। 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 हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट सवाल जवाब में और सवाल जवाब के अंदर होंगे सवालात और आपने देने हैं जवाबात चलें भाई पहला सवाल ये है कि इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं कौन देगा जवाब सब कोई इधर उधर देख रहा है कोई हम ही देख रहा है इस्लामी ईयर में इस्लामिक ईयर में कितने महीने होते हैं इस्लामिक ईयर समझती हैं कोई समझती हैं कोई नहीं समझती ठीक है चले तो ये इस्लामिक ईयर में महीने कितने होते हैं ये बता दें बारह महीने होते हैं और इस्लामिक ईयर के अलावा कौन सा ईयर होता है अंग्रेजी ईयर या अंग्रेजी साल भी होता है ईसवी साल जिसे कहते हैं क्या होता है ईसवी साल होता है चले इनके महीनों के नाम कौन बताएगा इस्लामिक ईयर के महीनों के नाम आयशा उबैस सोच रही हैं जी आराम आराम से पहला महीना जी तो इस्लामी इस्लामिकयर क्या होता है जैसे हम सुनते हैं ना मुहर्रम सफ़र ये नाम सुनते हैं जी प्यारे प्यारे बच्चों ये जो महीना होता है जैसे अभी एक महीना आने वाला है रमज़ानुल मुबारक का तो ये कौन सा ईयर के महीने हैं इस्लामिक ईयर के और जो ईसवी साल होता है या अंग्रेजी साल जिसे कहते हैं उसमें कौन से महीने होते हैं जनवरी फरवरी हाँ। है ना तो ये कौन से ईसवी साल है और इस्लामिक साल के महीने बता रही हैं आय है। जी मुहर्रम सफर रबीवल रबीसानी जमादुल वल जमादुल सानी, हुँ। जमादु, हुँ। जमादु हुँ। सानी हुँ। रजब शबान रमजान शवाल रमजान शवाल हाँ। से पहले तरतीब से बताए ना तो सही रहेगा शवाल के बाद कौन सा है और फिर आखिर में जी आखिरी महीना पहला महीना आखिरी महीना और ये महीना जो अभी चल रहा है ये कौन सा है कौन सा रजब रज़ब। कौन सा महीना है जी ये महीना है रजब ये भी बड़ी बरकतों वाला महीना है और रजब के बाद आएगा अगला महीना शबान, शब... शब... शबान।, शबान। और उसके बाद रहमतों वाला महीना रमजान मुबारक तो माशाल्लाह सब कह दें मा... मा... Allah, क्या बात है भी वा, भी वा। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले तो पहले तो ये पता चल गया इस्लामी में साल में कितने महीने होते हैं बारह और जो ईस्वी साल होता है उसमें बारह सब तो में बारह होते हैं ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्नत किसने बनाई तो शान है हर चीज किसने बनाई है Allah. तो जन्नत किसने बनाई जी जन्नत बनाई है अल्लाह पाक ने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बताएं कि तवाफ किसको कहते हैं तवाफ किसको कहते हैं हज करना हज इकरा करना। ने बताया है हज करना हज करना होता है हज में भी तवाफ होता है हज में भी तवाफ होता तव है खाने काबा तो पता है ना? जी पता है खाने काबा पता है जो ब्लैक कलर का जिस पर गिलाफ है सा है, ठीक है तो खाने काबा के गिर्द आपने कभी देखा होगा लोग ऐसे घूम रहे होते हैं ऐसे लगा रहे होते हैं। लेते। जी? लगाते हैं। तो वो क्या होते हैं उसको कहते हैं तवाफ, तवाफ, करना।, तवाफ करना जी वो जो राउंड्स लगा रहे होते हैं ना खाने काबा के गिर्द वो क्या है तवाफ करना ठीक है वीडियो वगैरह में हम देखते हैं कि खाने काबा के गेट लोग ऐसे घूम रहे हैं तो पता चल गया वो क्या कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं जी वो क्या कर रहे हैं शाहिद तवाफ कर, कर रहे हैं अरे वाह भाई वा माशाल्लाह अच्छा ये बताएं ये वादा खिलाफी क्या होती है वादा खिलाफी अगर हम किसी से वादा करते हैं और वादा तोड़ देते हैं Hmm, किसी से वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं तोड़ देते। क्या करते है शायद? तोड़ तोड़ देते क्या तोड़ते हैं वादा, वादा।, वादा।, वादा कैसे तोड़ते हैं हमने उसकी कि... बात नहीं मानी। तोड़ते, तोड़ते, तोड़ते तो किसी चीज को ऐसे मुक्का मार के तोड़ते कैसे <स्थिक्ष़> तोड़ते अगर किसी ने हमें तोहफा दिया हो हमने वादा किया हो कि हम इसे खोलेंगे नहीं और हमने उसे खोल लिया कहते हैं अच्छा चलेंगे इन्होंने वादा खिलाफ ही बताई और इन्होंने क्या बताया था रानिया शाहिद ने वादा तोड़ देना तो तोड़ेंगे कैसे मुक्का मार के वादा देखा है कभी फिर कैसे तोड़ते हैं जैसे आयशा उबैद ने हमें बताया कि हमने किसी से कोई प्रॉमिस किया क्या किया प्रॉमिस किया अम्मी से प्रॉमिस किया कि अम्मी अब चीनी नहीं खाऊंगी अब चीनी नहीं। आज बच्चे खाते हैं ना चीनी है ना बहुत ज्यादा चीनी और खा खा के दांत भी खराब होने लगते हैं अब प्रॉमिस कर लिया कि अम्मी अब चीनी नहीं नहीं खाऊंगी और बास छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो मिट्टी भी खाते हैं है ना कुछ दांत अपने नेल्स खा जाते हैं खा जाते हैं नेल्स नहीं हिसौरithe. खाते कुछ बच्चे खाते हैं सारे बच्चे अच्छे बच्चे नहीं।, नहीं खाते लेकिन जो अच्छे बच्चे नहीं होते वो अपने नेल्स क्या करते हैं अपने दांतों से खा रहे होते हैं अब अम्मी ने मना किया और उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी प्रॉमिस कर लिया क्या मैंने ऐसा नहीं, नहीं करना लेकिन दिल में यही है दिल में यही है कि मैं ऐसी झूठी झूठी प्रॉमिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैंने तो जब दोबारा अम्मी नहीं देख रही होंगी तो मैंने यही करना है तो अब ये क्या होगा वादा खिलाफी क्या होगा वादा खिलाफी कि हम जब प्रॉमिस कर रहे हैं हमारे दिल में यही है कि हम कैसे कर रहे हैं झूठी झूठी प्रॉमिस कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं हाँ या झूठा झूठा प्रॉमिस कर रहे हैं हमने करना नहीं, यही नहीं है या उनकी बात नहीं माननी शरारते जैसे करनी है वैसे ही करनी है सिर्फ मुंह से कह दिया कि अब मैं प्रॉमिस करता हूँ ये करती हूँ कि आइंदा नहीं करूंगा और दिल में क्या है कि करना यही है तो ऐसा क्या होगा ये खिलाफी है जी और नेक्स्ट नह क्वेश्चन है कि ये बताएं कुरान पाक किसकी किताब है सब बता दो अल्लाह ताला अल्लाह ताला की, अल्ला ता की।, अल्ला ता की किताब है कुरान पाक और इस कुरान पाक जब अल्लाह पाक की किताब है तो इसका हमें क्या करना चाहिए बहुत ज्यादा अदब।, हाँ अदब अदब करना चाहिए ये अब अदब कैसे होगा ये कौन कौन बताएगा अगर हम हाँ, अगर हमने कुरान, कुरान अगर हमने कुरान पाक को नीचे गिरा दे तो ये इसको अदब अगर कुरान पाक को नीचे गिरा दिया तो ये अदब नाई नहीं नाई है लिहाजा कुरान पाक नीचे नहीं गिरना चाहिए जी और अगर हमने कुरान को नीचे रखा है और हम ऊपर बैठे तो ये भी अदब नहीं होता जी कुरान पाक नीचे और हम ऊपर बैठ गए हाँ। तो क्या होगा ये अदब अदब, अदब हो नहीं, नहीं होगा कुरने पाक नीचे और हमें ऊपर नहीं बैठना चाहिए जी अहमन उबैद और क्या करना चाहिए कुरने पाक के हवाले से कैसे अदब होता है या कैसे बेअदबी होती है ताकि हम बेअदबी ना करें अदब करें रिस्पेक्ट करें कुरान हमें। हमें। सबसे हमें कुरान सबसे ऊपर रखना जी कुराने पाक हमें सबसे ऊपर रखना, उपर रखना रहने चाहिए, चाहिए।, चाहिए। कुरान पाक के ऊपर कोई चीज नहीं रखनी चाहिए ठीक है अपने कपड़े कोई दुपट्टा स्काफ उसके ऊपर नहीं, नहीं रखे रखेंगे ठीक है? इसी तरह और भी कोई बुक उसके ऊपर नहीं रखेंगे तो ये पुराने का क्या होगा अगर रख देंगे तो बेदबी भी हो जाएगी और अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे ना उसको नीचे रख के ऊपर बैठेंगे और ना उसके ऊपर कोई चीज रखेंगे बल्कि जो है उसका ख्याल रखेंगे तो ये क्या होगा अदब करना ठीक है तो कुरान पाक का हमने क्या करना है अदब, अदब, अदब करना है।, है अच्छा ये बताएं अब एक क्वेश्चन भाई अदब का हमने करना है इस अंदाज से भी और फिर ऊपर रखना है कहाँ रखना है ऊपर उसके ऊपर कुछ नहीं रखना और सारी चीजों से किताबों से ऊपर कुरान पाक रखना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कितना ऊपर रख दिया उसके बाद उठा के पढ़ ही नहीं रहे उसके बाद उठा के उसे पढ़ ही नहीं रहे उसको उठा के पढ़ना भी है। है। और जो पढ़ते हैं उनको ये बात भी पता होती है या तो पता होनी चाहिए कि, कि कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है नास। जी आखिरी सूरत पूछा है सूरत आखिरी बिल्कुल एंड जहां पर हो रहा होता कुरान पाक का जी बस आयशा उबैद बताएंगे जी सूरत जी ठीक कह रही हैं ये सही कह रही हैं क्या कह रही हैं क्या है नास है जी कौनसी है नास कौन सी है सूरत जी ये पुराने पाक की सबसे आखिरी सूरत है और इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है अच्छी बात जी जग्मक तारे, जग्मक, जग्मक तारे, जग्मक तारे। जी हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है अच्छी, अच्छी बात अच्छी बात चले आप में से कौन ये बोलकर दिखाएगा कि हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है अच्छी बात ये तो बोल लिया पूरा बोलना है हमारा चले अम उपैद हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है अच्छी बात पूरे एक्शन के साथ करें हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है अच्छी बात वाह भाई वाह और कौन करेगा आयशा बाजी कर रही हैं हमारा एक्साइटमेंट शुरू हो गया है अच्छी बात क्या शुरू हो गया है अच्छी बात पूरा बताए दोबारा से हमारा एक्साइटमेंट शुरू या सेगमेंट सेगमेंट जी हमारा सेगमेंट शुरू हो गया है अच्छी, अच्छी बात चले जी अच्छी बात, बात में आप लोग क्या बताएंगे में अच्छी बातें अच्छी बातें बताएंगे जी अच्छी, अच्छी बताएंगे।, बताएंगे क्या बताएंगे बताए हमें बड़ों का अदब करना चाहिए जी हमें बड़ों का अदब करना चाहिए आई शौबैद बताएंगी हमें कुरान सही तजवीद और सही तलफ के साथ पढ़ना चाहिए हमें कुरान पाक कैसे पढ़ना चाहिए तजवीज के साथ और सही के साथ पाक पढ़ना चाहिए जी भाई जी। हमें किसी की झूठी चुगली उनके अम्मी अब्बू को नहीं देनी चाहिए हमें किसी की झूठी चुगली अम्मी अब्बू को नहीं देनी चाहिए झूठी चुगली क्या होती है

जो ये बेटी हैं बच्ची हैं इन्होंने यूं करा है मुझे मारा है हैं? मेरा जो है वो ऐसे स्काफ खींच दिया था मेरी जो है वो अंगूठी ले ली थी इस तरह की बातें झूठी झूठी हमें नहीं, नहीं, नहीं लगानी नहीं। चाहिए चले जी अब कुछ हम बातें आपको बता देते हैं एक अच्छी बात है अपने बिहेवियर से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए अपने बिहेवियर से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए यानी हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जिससे कोई हर्ट हो जाए क्या हो जाए हर्ट समझती हैं दिल दुख जाए इसमें क्या क्या हो सकता है एक सूरत ये हो सकती है कि बास बच्चे या बच्चियाँ क्या होती हैं उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही होती है बोलने में प्रॉब्लम हो होती है वो थोड़ा तुतला के या अटक के बोलते हैं होता है, है? वर्ड्स उनके सही अदा नहीं हो रहे होते क्या होता है रानिय शाह हाँ अब सही से नहीं बोल पा रहे होते तो बच्ची क्या करते उनकी नकल बनाते हैं क्या करते हैं नकल, नकल करते हैं ना उन्हीं की तरह बोलते हैं हकला हकला के या फिर उनके अंदाज पर हंसते हैं ने, ने, उनके अंदाज पर हंसते हैं।, हैं तो इससे क्या होगा उनका दिल दुखेगा जी इससे क्या होगा उनका ये बहुत बुरी बात है क्या है बहुत बुरी बात है हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए और दूसरी बात यह है कि अम्मी और किसी भी बड़े के सामने तेज आवाज में नहीं, नहीं बोलना में चाहिए ते... कैसी आवाज में नहीं बोलना चाहिए तेज आवाज में तेज में कैसे बोलते हैं ये कौन बताएगा जैसे हमने चीख के बोल दिया कैसे बोला चीख के कि हमें खाना नहीं खाना नहीं। कैसे बोलते रानी शाहिद ये हमने नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने। तो हमें चीख कर तेज आवाज में अम्मी अबू से नहीं, नहीं, नहीं बोलना ठीक है जी और सब मिलजुल कर रहना चाहिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए इसी तरह खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खाने की बुराई खाना ऐसा है नमक क्यों है और सालन ऐसा है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो खाना हमें मिल गया हमें खा लेना चाहिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए अच्छा अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करनी चाहिए क्या करना चाहिए अपनी, अपनी चीजों की खुद हिफाजत करनी है। हम्म अपनी चीजों की क्या करनी है खुद, खुद, खुद हिफाजत करनी है। ये बास बच्चे या बच्चियां अपनी चीजें स्कूल में घुमाकर आ जाते हैं। आ जाते हैं। क्या क्या गुम हो जाता है पेंसिल, बारी बारी, बारी बताए क्या, क्या क्या गुम हो जाता है स्कूल में पाउच जी और और रेजर। और और आ, अब ये इतनी चीजें आप घुमा रहे हैं किसी दिन खुद को ना घुमा दीजिएगा भाई खुद ही गुम होगा अगर हम कोई चीज घुमा देते हैं और दूसरों पर इंजाम डाल देते आ, हमने नहीं घुमाई आपने घुमाया खुद एहतियात नहीं कर रहे होते तो ना चीजें घुमानी है ना खुद गुम होना है ठीक है पक्की बात है हाँ खुद भी घुमनी होना चीजों को भी घुमाना नहीं, नहीं है अपनी चीजों की खुद एहतियात करनी है बाद बच्चे पहले अपनी चीज घुमा देते हैं फिर किसी की रख के ले आते तो ये तो और बुरी बात है ये तो और बुरी बात, बात है।, है तो चीजों को घुमाना नहीं है बल्कि उनकी हिफाजत करनी है, है और इसी के साथ चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज जो हम आपको दुआ बता रहे हैं ना वो पता है कैसी दुआ है वो दुआ ये है प्यारे प्यारे बच्चों मदनी चैनल के नाजरीन वो दुआ ऐसी है कि हम गाड़ी में बैठते बैठते गाड़ी चल रही होती है चल रही होती है चल रही होती है अचानक ब्रेक लग जाती क्या होता है ब्रेक ब्रेक लग जाती है क्यों लगती है कभी कभी ब्रेक क्योंकि गाड़ी आगे। सामने आ जाती है हाँ कभी कभी सामने कोई बच्चा भी आ जाता है अचानक से है ना तो ऐसा हाँ कोई जानवर, तो आ जानवर तो भी, भी आ जाता है बिल्ली आ, आ जाती है खैर जानवर तो अपनी जगह है बाज बच्चे भी आ जाते हैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए अब जब अचानक ब्रेक लगती है तो फिर क्या होता है क्या होता है एक्सीडेंट क्या वो तो ब्रेक लग गई लेकिन हम लोग जो अंदर बैठे हुए होते हैं वो क्या होते हैं उछल जाते हैं है ना एकदम तो सीधे बैठे हुए क्या होता है फिर अचानक ब्रेक लगे तो कैसे होगा करके बताएं यू ऐसे आगे हो जाएंगे ना हो जाएंगे तो ऐसे जब ब्रेक लगती है और गाड़ी में ऐसे यूं हिल जाते हैं तो उस वक्त भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह क्या बिस्मिल्ला। पढ़ना चाहिए हाँ जब ऐसे ब्रेक लग जाए अचानक से ऐसे झटका लगे गाड़ी में तो क्या पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए ठीक है जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी पढ़ सकते हैं ठीक है तो अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे और हमने आज स्टोरी में भी सुना था ना कि जो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाता है हिफाजत फरमाता है चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मेमोरी टेस्ट क्या नाम है मेमोरी टेस्ट ये नया सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं और चलते सेगमेंट में और फिर आपको बताते हैं कि इसमें होगा क्या जी मेमोरी टेस्ट जग्मक तारे, जग्मक, जग्मक, जग्मक तारे, जग्मक तारे। जी हमारा सेगमेंट है मेमोरी मेमोरी समझती है नहीं समझती ये याददाश्त दिमाग कितनी चीजें हमें याद रहती हैं और कितनी हम भूल जाते हैं अगर हमारी मेमोरी अच्छी होगी याददाश्त अच्छी होगी तो हमें अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी याद रहेंगी ना अभी हमने इतनी सारी अच्छी बातें सीखी अब थोड़ी देर बाद भूल जाएं तो फिर अमल कैसे करेंगे तो अगर हमें चीज़ें याद रहेंगी अच्छी बातें याद रहेंगी तो उस पर अमल भी कर सकेंगे दुआ याद करते हैं फिर क्या होता है दुआ भूल जाते याद हैं तो फिर पढ़ेंगे कैसे तो पढ़ने का टाइम होगा उसको बैठे हुए होंगे बैठे हुए होंगे क्योंकि दुआ याद नहीं आ रही तो हमारी मेमोरी भी अच्छी होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छी बातें याद रखें और अच्छी बातों पर અમલ કર સકે એસી લિયે હમારા યે સેગમેન્ટ હે મેમરી ટેસ્ટ જી ઈસી લિયે હમારા સેગમેન્ટ હે મેમરી ટેસ્ટ જી અબ ઇસમે હોગા ક્યા ઇસમે આપકી મેમરી કા ટેસ્ટ લિયા જાયેગા ઓર વો ઇસ طرح કે હમ કુછ એનિમલ્સ કી સાઉન્ડ સુનેંગે ઉનકી આવાજે સુનેંગે ઠીક હે ઓર આપને બતાના હે કે યે કિસ જનવર કી આવાજ થી કિસ એનિમલ કી આવાજ થી રેડી હે જી જો દેખા હે જી आ, मजे का है देखते हैं कौन पहचानता है आवाज को चले जी सुनाए अच्छा हैंड रेस करना है क्या है ये चले सबसे पहले किसका हाथ उठा था किसने उठाया था हाथ सबसे पहले ये तो सबने चले हैंड नीचे करे दोबारा सुनाएं आप अब देखते हैं कोई दूसरी सुनाएं भाई चले अमन उबैन ने सबसे पहले उठाया है एमन उबैद ने जी जी चिड़िया चिड़िया की आवाज थी अच्छा चले आयशा उबैद कवे की थी जी तोता तोता चिड़िया कौवा तोता वाह भाई वाह वा। जी भाई रानिया शाहिद जी चिड़िया चिड़िया की आवाज थी जी भाई किसकी आवाज थी ये किसकी आवाज़ थी ये कव्वे की आवाज़ थी ये दोबारा सुना देने अब देखिए आप पहचाने हम्म कौवे की आवाज थी किसकी आवाज है कौवे की आवाज है चलें अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जानवर की आवाज आती है चले भाई सब नहीं बता दी किसकी आवाज है एलिफेंट एलिफेंट बड़ा सारा एलिफेंट है यहाँ आ गया तो क्या होगा हाँ तो, तो जाना पड़ेगा कहीं चले नेक्स्ट अब बोलना नहीं है सिर्फ बाबा हाथ उठाना है सबसे पहले इकरा ने हाथ उठाया जी भाई कोयल कोयल की आवाज है जी कोयल की है सब कहनी कोयल की है जी आयशो कोयल कोयल की है और पक्का जी सबका जवाब दुरूर्ण दुरूर्ण है और ये कुदरत भी है है ना पक ने कैसे कैसे जानवर बनाए उनकी कैसी कैसी साउंड्स हैं और कोयल की कितनी प्यारी सी आवाज होती है ना चले जी तो हमें भी अच्छी तरह कोयल की तरह बोलना चाहिए कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है ना तो अगर जो चीख चीख के बोलते हैं वो अच्छी नहीं होती जी नेक्स्ट चले भाई इकराबाजी ने हाथ उठा दिया और रानियाबाजी ने भी पहले इकराबाजी को दे देते हैं कबूतर कबूतर था कबूतर है जी ये कबूतर है और इनका जवाब है चले जी तो आप इसमें कौन जीता कौन हारा सबसे ज्यादा किसने जवाब दिए कहा आपने कब जवाब दिए जो हाथ उठा लिया कुछ कुछ दिए थोड़ा थोड़ा चले भाई ये हमारी इकराबाजी ने भी जवाब ज्यादा दिए है ना चले इकराबाजी जीत गई और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच समझ के जवाब दे चुनना पूछेंगे सवालात गौर से सुनना सोच समझ के जवाब दे चुनना जगमगदारे जगमग जगमग जगमगदारे बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया आ गया